गुड आफ्टरनून क्लास, टुडे इज योर ड्राइंग क्लास। और मैंने आपको लास्ट वीक में कहा था कि जब हम लोगों ने पिछली क्लास ली थी उसके बाद मैंने कहा था कि आप इस बार हम लोग चॉक पेंटिंग करेंगे। तो चॉक तो अभी मेरे पास नहीं है, तो हम चॉक की जगह पे ऑयल पेस्टल का यूज़ करेंगे। ऑयल पेस्टल जो कि सबके पास है, तो आप चॉक की जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑयल पेस्टल नहीं है तो आप क्रियॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आपकी बुक में है, देखिए पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 10 दोनों ही हैं। तो आपको मैं ये वाला करके बता देती हूँ, या तो मैं हाफ पेज में सीनरी ड्रॉ कर दूँगी और हाफ पेज में इसको, ठीक है। आज डेट है 21.10.20। ओके, ये है, मैंने ब्लैक शीट ली है और ब्लैक शीट पे आपको मैंने कहा था जैसे कि हाफ शीट पे हम लोग ये वाला सीन जो आपकी बुक में है, और हाफ शीट में मैं आपको जो अलग से थोड़ा सा सीनरी या कुछ वैसा ड्रॉ करना बता दूंगी। सबसे पहले आपने देखो ये किया, ठीक है, ट्री का पोर्शन है, इन्होंने रफली कोई भी इमेज ऐसी ड्रॉ किया है, तो आप ही अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ठीक है, बुक में तो आप सेम करिएगा और अपनी कॉपी में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी मैं आपको टेक्निक बताती हूँ ना, तो आप बुक में तो सेम करिएगा सभी उसमें, चाहे वो मैं आपको कोई भी थंब पेंटिंग है चाहे कुछ भी है, और आप अपनी ड्राइंग की फाइल में अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें हल्का सा शेड दे दीजिए, पीछे ले लीजिए, चॉक से करेंगे तो आप जैसे उसमें हाथ फेरेंगे, आपने हाथ से रफ करेंगे तो वो एकदम जल्दी से ख़राब हो जाएगा। बट आपके उसमें पेस्टल सीट का, जब पेस्टल कलर हम लोग वाइट का यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप सीट को रफ करेंगे, हल्का सा भी रफ करेंगे, तो वो ख़राब नहीं होगा और आपकी ड्राइंग ख़राब होने का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। ये देखिए, ठीक है, हमारा ये चीज़ तैयार हो गया है। मैं आपको हाफ पेज में, ये चीज़ आपका कम्प्लीटली तैयार है, मैं आपको हाफ पेज में थोड़ा सा और एक सीनरी ड्रॉ करवा देती हूँ, ताकि आपको, अगर ये तो आपको बुक में ड्रॉ करना है और कॉपी में आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, हाफ पेज में मैं आपको एक छोटा सा ड्राइंग और सीनरी ड्रॉ करवा देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक सेंटर लाइन लेनी है, ठीक है। सेंटर लाइन से आपने क्या करना है, एक आपने रास्ता तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर आप बनाएंगे थोड़े दो स्टोन टाइप के स्टोन, स्टोन बनाएंगे यहाँ पर,
ठीक है। और यहाँ पर आप बनाएंगे एक हाउस, झोपड़ी टाइप की, आप उसको पूरा वाइट कलर से कर देंगे और हल्का हल्का सा सीड दे देंगे ऊपर से, ठीक है। घर के थोड़ा सा सामने से आपने क्या करना है, एक पेड़ ठीक है, और यहाँ पर से आप थोड़े से झाड़ी बैक साइड में, यहाँ पर से माउंटेन का पोर्शन, आप तो चाहे उसको हल्का हल्का सा वाइट कलर से ही पूरा शेडिंग कर सकते हैं। ये ग्रासेस बीच बीच में आप ग्रासेस बना सकते हैं, और इस तरीके से आपकी सीनरी भी ड्रॉ हो गई। ओके, तो आप कहीं पे भी ग्रासेस और वो चीज़ रेडी कर सकते हैं। देखो, हाफ शीट में आपकी सीनरी रेडी हो गई है और हाफ शीट में आपका जो आपकी बुक में है, तो आप दोनों ही चीज़ इसको आप ड्राइंग की कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको आप ड्राइंग की बुक में, और बहुत सारे बच्चे वर्क करके नहीं भेज रहे, प्लीज़ वर्क सेंड करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हो, ठीक है। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, अच्छे से वर्क करिएगा, और चाहे तो आप पेस्टल कलर यूज़ करिए, चाहे आप क्रियॉन्स यूज़ करिए।